हाँ तो मेरे जिगर चलो मैं हिमांशु आपका वेलकम करता हूँ हमारे छोटे यूट्यूब चैनल जिसे आप जल्दी से बढ़ोगे बड़ा तो बनाए दोगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो इस बंदे को पहली बार देख रहे हो देखो मत यार लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो फ्रेंड्स हाँ तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे किसी लड़की से या नॉन लड़की से कैसे चैट करना स्टार्ट करें कि जिससे आपसे वो बात करे। तो भाई देखो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आप इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना रहता है कि जैसे कि आप फेसबुक पे बात करते हो या फिर कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे बात करते हो तो सेम टू सेम वैसे यहाँ पे भी बात करना होता है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा तीरमबाज और उसके बाद में तुर्रम खान नहीं बनना पड़ता। तो जैसे कि ये वाली चैट है, इस वाली चैट में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इस लड़की को मैंने बोला बुम बुम, तो इसने बोला क्या मतलब। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की एटीट्यूड वाली भरी पड़ी हो, ठीक है, और एटीट्यूड वाली हो तो हद है यार, मेरे को एटीट्यूड से अच्छी नफरत है। तो मतलब ये मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना, मैं मायके में आता हूँ ससुराल में नहीं। मैंने ऐसा सिंपल सा बोला डायलॉग मारा, मेरे को इतना कुछ करना नहीं था। तो फिर इसके बाद में इसने बोला किसका मायका कौन सा ससुराल, मैंने बोला तुम्हारा मायका मेरा ससुराल ही। तो इसने बोला अच्छा मायका मेरा मायका आपका ससुराल कहाँ से हो गया, मेरा मायका आपका ससुराल कहाँ से हो गया। मैंने जब से उसने बोला कि तुम मेरी होने वाली हो तब से। तो उसके बाद में सेकेंड दिन आया शायद कि, तो मैंने बोला हेलो क्यूटनेस की दुकान, तो इसने बोला हेलो मिस्टर कन्फ्यूज। तो भाई कन्फ्यूज कर दिया था इसे। अब इंटरेस्टिंग थोड़ी बहुत तो बातें की, थोड़ी सी की लेकिन की तो सही कम से कम। तो भाई ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपको भी करनी होती है, चाहे आप जिस जगह पर चैटिंग करो अगर आप इंटरेस्टिंग बातें करोगे तो वो बंदी कल भी रिप्लाई करेगी। तो इसको बोला क्या क्या कन्फ्यूज हुआ, ऐसा क्या कर दिया इस मासूम ने। तो इसने बोला मायका ससुराल, मैंने बोला विक्रम बैथाल मस्त टीवी सीरियल है, कहाँ गायब हो गई मिस्टर इंडिया की, इंडिया जी की बहन। इसने बोला क्या यार मजाक कर रहे हो, मेरा मजाक तो कपिल शर्मा भी कर लेगा, मेरा का क्या, मेरा का क्या 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 ओ सॉरी काम। तो इसके बाद में मैंने बोला अरे सुनो ना अब सुन भी लो ना। तो इसने बोला हाँ बोलो, हमका वैलेंटाइन मनाना है, कोनो जुगाड़ है का तुम्हारे पास। तो इसने बोला किस बारे में, मैंने बोला वैलेंटाइन मैं मना लूँगा। तो इसने बोला हमें और कोई काम ना है क्या, मैंने लड़की तुम मना लेना, अरे है ना तुम्हें काम, मेरे लिए लड़की लाओगी इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। इसने बोला नहीं हम नहीं लाएंगे। तो भाई इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप किसी भी लड़की से बात कर सकते हो, बस इतना जान लो, और बातें बिल्कुल सिंपल से होनी है। उसके बाद में आप, अब मेरी वीडियोस पहले मैं भी इतना ध्यान नहीं देता था, तो मेरी बहुत दिन की चैटिंग हो गई थी तो पहले मैं इतना ध्यान नहीं देता था। तो उसके बाद में इसको मैंने बोला सोचो तुम भगवान हिमांशु के लिए लड़की लाओगी, वाह क्या बात है, जिंग जिंग अमेजिंग। तो इसने बोला हम पापी हैं अच्छे, कोई पुण्य का काम नहीं नहीं चाहिए। मैंने बोला ओके तो एक काम करो थोड़ा पाप ही कर लो, अभी तक एक दिला रही थी अब दो दिला दो ये पाप हो जाएगा। तो इसने बोला नहीं अब और पाप नहीं। मैं बोला हाँ तो मैडम कर दो ना फिर, जब कोई लड़की नहीं ला रही तो। उसके बाद इसने बोला एक दिन के लिए, फिर मैंने एक दिन के लिए तुम ही बन जाओ वैलेंटाइन, ख़त्म होने का बाद चली जाना। तो भाई अजीब लगती वाली चैट देख के, लेकिन फिर भी आपके लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद मतलब तूने बताया नहीं, बोली क्या। तो मैंने बोला कुछ नहीं वैलेंटाइन ख़त्म हो गया। तो बोली कोई नहीं स्टार्ट। तो भाई ये वैलेंटाइन डे का टाइम था, सलाम है अच्छा खासा वो मारा था। तो हाँ धोखेबाज हो आप, इसने वाला हाय। तो मैंने ये वाला भेजा। तो भाई ये लड़की से चैट पे क्या क्वेश्चन पूछे, ये वाली रिप्लाई अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हो, बढ़िया वीडियो है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और किसी भी लड़की से बात करते टाइम आपको ये मेन क्वेश्चन बताएगा जिससे कि आप आराम से किसी भी लड़की से इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने इसे बोला, इसने मेरे को बोला हैप्पी होली मार्च में। तो मैंने बोला सेम टू यू, कभी ना बोलने वाली देवी। इसने बोला अच्छा बुद्धू, मैंने बोला हाँ बच्ची। तो इसने ऐसे एटीट्यूड वाला दिखाया और हंसी, मतलब ये क्या था भाई, बोलिए कुछ नहीं। मैंने नखरे क्यों कर दिया, मुझे पसंद है, मतलब और मुझे नखरा करने वाली। इसने बोला अच्छा जी, मैंने बोला हाँ जी। वैसे बताया नहीं कितना 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 अच्छा वाला जी हूँ मैं, इसने बोला बहुत ज़्यादा। तो ये डस्टबिन में फेंकने वाला मैंने दिखाया, तो इसने बोला कि ये क्या है। तो मैंने बोला इसको कहते हैं एटीट्यूड को डस्टबिन में फेंक देना। तो ये हंसी, मैंने बोला हाय हंसते हुए मुझे तो इतनी प्यारी लग रही हो, क्या सबको भी इतनी प्यारी लगती हो। तो भाई जब भी कोई लड़की हंसने वाली ये इमोजी भेज सकते हैं तो भेजे तो आप ये वाला डायलॉग मार सकते हो, मस्त है, काम कर जाएगा। इसने बोला वैसे एक बात तुमने मेरे से कभी नहीं बताई। इसने बोला कौन सी, मतलब
तुम लोगों के दिल भी चुरा लेती हो। इसने बोला, नहीं यार, चोरी करना तो बुरी बात है। तो मैंने बोला, लेकिन आपने कि अब तो आपको सजा मिलेगी ना। तो इसने बोला, हाँ दे दो सजा फिर। तो मैंने बोला, तुम्हें सजा ये मिलेगी, तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही बात कर सकती। तो इसने बोला, तो कैसे? मैंने बोला, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाला फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिल करके अप्लाई कर दो। इसने बोला, कैसा फॉर्म? मैंने बोला, तुम्हारे लिए यही सजा ठीक है, गर्लफ्रेंड बनने का फॉर्म। समझ रही हो या फिर पास आके समझाओ? इसने बोला, पास आके समझा दो। सिर्फ इतने? लेकिन आपको ये लग रहा होगा छोटी सी चैट है, लेकिन भाई इसे इस चैट में, मतलब कि मैं इस लड़की से बात नहीं करता क्योंकि मैं इतना इंस्टाग्राम यूज़ करता ही नहीं हूँ, अब कुछ दिन से करने लगा हूँ। तो इसने बोला, फिर क्या था, मैंने बोला, मेरे पास आने पे किसी तो नहीं करोगी ना? इसने बोला, करूँगी मैं। तो फिर बोला, मुझे अकेला छोड़ के चली जाओगी सबकी तरह ना? तो इसने बोला, नहीं यार। तो भाई सब छोड़ के चली जाती है, कोई नई बात है नहीं, तो कर सकते हो आप, ट्रस्ट कर सकते हो, अच्छी बात है। उसके बाद मैंने बोला, अच्छा वैसे लगता तो नहीं? तो इसने बोला, कहाँ? फिर मैंने बोला, कहाँ गायब है? तो उसने बोला, यही हूँ बुद्धू। तो आज की इतनी सी चैट हो गई। तो कैसी लगी आपको ये वाली चैट और ये वाली वीडियो, ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और ये बेल हिलाते हुए जाना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हाँ, आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग चैट, इंटरेस्टिंग तो नहीं थी लेकिन चलो ठीक है, चैट है यार, तुम्हें आइडिया थोड़ा बहुत तो मिलेगा इससे। तो अगर ऐसी और चैट